ग्रेड सिक्स बच्चों, आज हम लेंगे मैथ्स प्रॉब्लम सेट 13। एकदम इजी है। यहाँ पे तुम लोगों को रेसिप्रोकल्स लिखने हैं। रेसिप्रोकल्स मतलब क्या? तुम लोगों को सिर्फ न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे में चेंज करने, उसको ही रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो देखो, रेसिप्रोकल 7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे हम? ये 7/1 हो गया। 7 का मतलब क्या हो गया? 7/1। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमेरेटर नीचे, 1/7। मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के तुम लोगों को अदला बदली करनी है। तो वो हो गए उसके रेसिप्रोकल। मतलब 7 का रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज 1/7। 11/3 दिया, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर के 3 ऊपर न्यूमेरेटर में चले जाएंगे और 11 जो न्यूमेरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 3/11। और एक बात जो मैं तुम लोगों को, मतलब तुम्हें बहुत ही याद रखनी है, तो रेसिप्रोकल 1, अगर 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, और 0 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं। 0 का रेसिप्रोकल 0 ही आ सकता है, या 0 का रेसिप्रोकल ही नहीं है इसे भी बताया तो भी चलेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है वो है 5/13। तो 5/13 का क्या हो गया? 13/5। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल कैसे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डिवाइड करना है, एकदम इजी है। डिवाइड का सम लिख दिया, फर्स्ट जो भी नंबर होगा, पहला जो भी नंबर होगा वो वैसे के वैसे लिखना है। डिवाइड के साइन पे हमें मल्टीप्लाई का साइन लिखना है, और जो दूसरा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेसिप्रोकल लिख देना है। मतलब 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/1। तुम लोगों को स्टेप समझ में आ गई? 2/3 वैसे के वैसे, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जो दूसरा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका हमें क्या लिखना है? रेसिप्रोकल। और जैसे कि हमने प्रॉब्लम सेट आई थी 12 में, हाँ प्रॉब्लम सेट 12 में सिखाया है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरेटर में, 2 4 8, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 3 1 3। अभी फिर से अगर नहीं समझ में आया है तो सेकंड सम देखो, 5/9 / 3/2। 5/9 जो पहला नंबर होता है वो वैसे के वैसे, डिवाइड के जगह माइनस मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जो दूसरा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का हमें क्या लिखना है? रेसिप्रोकल। मतलब 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/3, और फिर मल्टीप्लाई करना है। 5 × 2 मतलब न्यूमेरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में ही करना है। 5/5 × 2 = 10, और 9 × 3 = 27। सामने सामने उनके मल्टीप्लाई लिख देने हैं। है ना इजी प्रॉब्लम सेट 13, बहुत ही इजी है। फिर अभी नेक्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा,